हेलो व्यूअर्स, मैं ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल आईएन एकेडमी में आप ही के लिए एक नए सवाल के साथ। यह सवाल जो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन से संबंधित है और ऐसे व्यूअर्स के लिए जो क्लास 12th में है, चाहे वह व्यूअर्स CBSE बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के, या दोनों व्यूअर्स के लिए जो है, यानी दोनों बोर्ड के लिए जो है समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड है। और ऐसे व्यूअर्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है जिनका तैयारी ठीक से नहीं हुआ है, अर्थात यह सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम अभी सॉल्व करेंगे, फिर क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में डाल देंगे जहाँ पहले से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप घबराए नहीं, प्लेलिस्ट में जाए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उनको करके 90+ 100% गारंटी है 90+ का, लेकिन आप अच्छा से करोगे तब। तो अब जो बोर्ड पे क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू अंडर ब्रैकेट 1 cos θ, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पे हमको डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो चूंकि यह दिया हुआ है तो हम इसको लिखते हैं ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष, और डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू थीटा का थीटा के सापेक्ष हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसको हम 1 मान लेते हैं। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वाई इजकल टू ए इंटू 1 cos θ, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा, ये कॉस थीटा आउटसाइड कर लेते हैं, 1 का थीटा के सापेक्ष माइनस कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष, जो कि होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ये कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा इजकल टू ए साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हमको यह निकालना है, इसका फार्मूला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इक्वेशन 1 और 2 से हम वैल्यू बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन ए 1 cos θ, और डी वाई अपॉन डी एक्स किस पे निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो हम ए कट गया तो पाई बाय 2 का वैल्यू बैठा देते हैं, साइन पाई बाय 2 थीटा की जगह पे, यहाँ पाई बाय 2 है, और 1 cos π/2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, 1 cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, जो कि हो जाएगा 1, अर्थात पाई बाय 2 पे जो है डी वाई पर डी एक्स क्या हो गया, 1 हो, यही आंसर, इसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करेंगे, साथ ही सुझाव देंगे कि यह चैनल कैसे और बेहतर बन सकता है, क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, जो सब इस पर है उन सभी का चैनल है। और हम ऐसे व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सबों से
आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करते हैं ताकि उनको भी फायदा हो और आपके सर को का भी मोटिवेशन हो। और हम कल तक के लिए आपसे क्या चाहते हैं, धन्यवाद।